सर, आज यहाँ बांदा में सिंधी गुरुद्वारे में आप आए थे, किस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया गया था? वृक्षारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज ये आयोजन किया गया। हम लोग वृक्ष तो लगाते हैं लेकिन उनका सर्वाइवल रेट बहुत ख़राब है। वृक्षारोपण तो करते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं रहते। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि हमें वृक्ष लगाओ अभियान नहीं चलाना चाहिए, हमें वृक्ष जियाओ अभियान चलाना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सोच है, क्योंकि जो वृक्ष नहीं बच पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे हल किया जाए इस समस्या का, इसके लिए हम लोग डिफरेंट तरीके की नई सोच पे काम कर रहे हैं। कालिंजर में हम लोगों ने प्रमुख सचिव महोदय को बुला करके ये कई दिन 15,000 पौधे लगाए। इसके बाद हम लोगों ने 45,000 स्कूली बच्चों को पौधे दिलवा करके उनके माध्यम से लगाए, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो पौधे जिंदा हैं। पौधा लगाना बहादुरी नहीं है, पौधा जिंदा रखना बहादुरी है। और पौधा जिंदा नहीं है ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जितने भी धर्म स्थल हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जैन मंदिर हो, कोई जो धर्म स्थल हैं, हमारा ये आइडिया ये है इसमें कि पेड़ प्रसाद का हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। पेड़ प्रसाद, हम लोग प्रसाद के रूप में कपड़े लेते हैं, प्रसाद के रूप में हम लोग कलावा लेते, मिठाई लेते, नारियल लेते, बहुत चादर लेते, बहुत कुछ लेते हैं। तो मेरा ये सिंपल ये कहना है कि इन सभी प्रसाद के साथ पेड़ को भी प्रसाद के रूप में लिया जाए, और उस पेड़ को श्रद्धालु जन को जो दूसरे का चढ़ावा आया है उसे प्रसाद के रूप में दे दिया जाए। जब श्रद्धालु पेड़ को प्रसाद के रूप में ले जाएगा, आशीर्वाद के रूप में ले जाएगा, तो उसे लगाएगा और जिंदा रखेगा। ये तो जो हमारी ये समस्या है पेड़ जियाओ अभियान की, इसका समाधान हो जाएगा। सर, ये पेड़ प्रसाद कार्यक्रम ये कब तक आयोजन चलता रहेगा? देखिए, ये मेरा तीसरा इनिशिएटिव है और इसको अभी हम लोग शुरुआती दौर में प्रयोग करने के लिए हमने 20 मंदिर छांटे हैं, मस्जिद एक लिया है, जैन मंदिर लिया है, गुरुद्वारे में आज हम काम कर ही रहे हैं धीरे धीरे। और इसको एक बड़े हमारी इसकी एक पूरी प्लानिंग है, और इसको हमने अभी प्लान किया कि हम 26 जनवरी को ये सारे जगहों पे एक साथ करेंगे। अभी ऐसे एक एक करके करेंगे और 26 जनवरी को इसको एक अच्छे रूप में, महोत्सव के रूप में शुरू करेंगे।